और अब बात करते हैं बिहार की, जहां मानकपुर प्रखंड के नानौक पंचायत में धड़ल्ले से गरीबों के मिलने वाले राशन की कालाबाजारी की जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि उन लोगों को केवल पैसे वाला राशन दिया जाता है, और क्यों, जबकि फ्री वाला राशन मांगने पर कहा जाता है कि अभी सरकार के द्वारा नहीं दिया गया तो कैसे देंगे। ग्रामीणों ने कहा कि हम लोगों को अंत्योदय कार्ड में 35 किलो राशन के साथ ही फ्री में मिलने वाला प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देना होता है, लेकिन केवल 20 किलो चावल देकर टाल मटोल कर दी जाती है। गेहूं मांगने पर कहा जाता है कि गेहूं अब सरकार बंद कर चुकी है। वहीं जिला परिषद के सदस्य कुंदर कुमार चौधरी ने बताया कि डीलर सोनी सिन्हा के द्वारा पिछले कई महीनों से राशन वितरण में गड़बड़ी की जानकारी मिल रही थी। वहीं जब संबंधित पदाधिकारी से मामले में बात की गई तो जांच करने का आश्वासन दिया गया है, पर आज तक कोई कार्रवाई अधिकारी के द्वारा नहीं की गई, जिससे डीलरों की मनमानी बढ़ती जा रही है और गरीबों के राशन की कालाबाजारी रात में धड़ल्ले से की जा रही है। विराट 24 न्यूज के लिए गया से गजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सात पसरी गला है लिखा, आ देता है 10 किलो। 10 किलो मिलता है? 10 किलो मिलता है, मैंने मिलना चाहिए 35 किलो। हाँ, 7 किलो मिलता है? हाँ, 10 किलो मिलवा करता है। मिलता हमको आए नहीं मिलेगा, नहीं देता है, नहीं मिलेगा आपको। कहाँ नहीं मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, क्या पता है, उनको कहता कि नहीं देंगे आपको, नहीं देता, नहीं मिलता। कभी शिकायत की है? कभी डीलर साहब को बोले कि ऐसा क्यों करते हैं? वो तो कह देता सीधा कि जहाँ मन है जहाँ जाओ। क्या बोलते हैं? जहाँ मन है जहाँ जाओ, इतने मिलेगा। कितना मिलता आपको? हमको इसको 70 किलो मिलता है तो 50 किलो देता है। दिक्कत यही है कि हमारे परिवार हो या मैंने घर की जो भी व्यक्ति हो, गांव घर का हो, उनको हमारे परिवार या गांव घर के आदमी का पूरा गला नहीं मिल रहा है सर। कितना दिन से? ये अगले महीना भी कुछ गड़बड़ी हुआ था, जिस समय अगले महीना में 2 किलो गेहूँ था, और अगले महीना 2 किलो गेहूँ था, 3 किलो चावल था एक व्यक्ति पर, मगर उस समय भी सर हमको उस समय नहीं मिला, 1 किलो गेहूँ मिला और 4 किलो चावल मिला। आप लोग शिकायत किए थे कहीं? जी, शिकायत करने के लिए दर्ज तो किए थे सर, मगर अगले कानूनी कार्रवाई से हम लोग दब जाते हैं। मेरे पास उतना उपाय नहीं था कि हम कुछ लड़ सकते थे, मगर अगली बार ये महीने में हमारा फ्री वाला गल्ला जो नहीं मिलने लगा, तो हम ये कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं कि हमारा व्यक्ति कैसे जिएगा। मेरी बात को यही समस्या के लिए हम अकेले लड़ने के लिए तैयार हुए। हम अपना जनता को जागरण किए कि हमारा फ्री वाला गल्ला क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि सागर आ चुका है, मेरा गल्ले यहाँ क्यों नहीं आया? डीलर साहब कौन है? डीलर सोनी। क्षेत्र से कॉल आने लगा कि सर। कौन क्षेत्र से? ननौक से जी। कि सर प्रखंड कौन सा है? प्रखंड मानपुर। अच्छा, मैं जिला पार्षद हूँ क्षेत्र संख्या 17 से, कुंदन कुमार चौधरी। और हमें कॉल आया क्षेत्र से, बहुत सा लोग कॉल करने लगे कि सर जे आइए यहाँ पे, जे मैंने फ्री वाला अनाज इस मंथ नहीं है, नहीं मैंने आया है गवर्नमेंट से। अच्छा। बोले नहीं, अभी तो सितंबर तक के देना है। तो बोले नहीं, यहाँ नहीं दे रहा है अनाज से, आ करके थोड़ा छानबीन कीजिए। तो हम क्षेत्र में घूमे, दो चार आदमी से आ करके और इसका जानकारी लिए, तो सब लोग बोले कि नहीं सर, फ्री वाला नहीं दे रहा, हम लोग से पैसा लेकर के अनाज दे रहा है। तो हम फिर इसका सूचना आपको मीडिया वालों को दिए कि भाई आइए, ऐसा ऐसा बात है।